So 2019 ka pehla multiple choice question. If force given hai 3i and d is equal to 6j, displacement given hai, to work done kitna hoga? To hame yahan par definition istemal karni hogi work done ki, jiski definition ke mutabik w barabar hota hai f into s. Ya filhal jo displacement hai, usko inhone d se show kiya hua hai, to yahan par ho jayega f dot d, yani ke force aur displacement ka dot product lena hoga. ठीक है तो फिलहाल जो हमें बहुत ही सिंपल सी फोर्स की वैल्यू गिवन है फोर्स की वैल्यू कितनी है फोर्स की वैल्यू बराबर है 3i के सो यहां पर f की जगह पे आ जाएगा 3i और इसका डॉट प्रोडक्ट हमें लेना पड़ेगा डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू से और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू है बराबर 6j के तो डॉट प्रोडक्ट में वैसे तो प्रॉपर्टी जो है वो आप पूरी अप्लाई कर सकते हो बट याद रखना है जो प्रॉपर्टी है डॉट प्रोडक्ट की कि अगर सिमिलर यूनिट वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं डॉट मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 1 आता है और डिफरेंट को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा आंसर बराबर आता है 0 के सो यहां पर हम नंबर्स को मल्टीप्लाई अगर करा भी दें सो 6 3 = 18 आ जाएगा बट प्रॉपर्टी के मुताबिक i डॉट j बराबर होता है 0 के सो 18 जैसे ही मल्टीप्लाई होगा 0 से तो फाइनल आंसर भी किसके बराबर हो जाएगा फाइनल आंसर भी बराबर हो जाएगा 0 के सो जो फाइनल आंसर है वो हमारा यही है फर्स्ट ऑप्शन 0 क्वेश्चन नंबर 2 बीट्स आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू जो बीट्स प्रोड्यूस होती हैं वो किस वजह से प्रोड्यूस होती हैं डिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स इन टाइम रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स पोलराइजेशन ऑफ वेव्स नो वो प्रोड्यूस होती है इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स इन टाइम और बीट्स की डेफिनेशन भी ये है कि जो पीरियोडिक वेरिएशन प्रोड्यूस होती है साउंड में जिसमें इंटेंसिटी पीरियोडिकली बढ़ती है कम होती है वो तब होती है जब दो साउंड वेव्स इंटरफेयर करें जिनकी फ्रीक्वेंसीज में स्लाइट डिफरेंस होता है नंबर 3 द वेवफॉर्म ऑफ वेव्स विल बी स्फेरिकल व्हेन द रेज ऑफ लाइट आर ठीक है कब जो है वो माने जाएंगे कि जो वेवफॉर्म्स हैं वो स्फेरिकल हैं जब लाइट रेज कैसे होंगी जब लाइट रेज होंगी पैरेलल जब होंगी परपेंडिकुलर जब होंगी मोनोक्रोमेटिक या जब होंगी नॉट पैरेलल सो याद रखना है वो जो आंसर है वो ये है कि वो होंगी नॉट पैरेलल क्वेश्चन नंबर 4 इफ f बी द लिमिटिंग फ्रिक्शन f जो है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन है एंड r द नॉर्मल रिएक्शन ये जो कैपिटल r है ये नॉर्मल रिएक्शन है देन कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन जो कि म्यू है वो किसके बराबर होगा तो उसका सिंपल सा फार्मूला है म्यू बराबर होता है और उसकी डेफिनेशन भी ये है द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज द रेशियो बिटवीन लिमिटिंग फ्रिक्शन टू द नॉर्मल रिएक्शन लिमिटिंग फ्रिक्शन का नॉर्मल रिएक्शन के साथ जो रेशियो होता है वो म्यू के बराबर होता है सो फर्स्ट आंसर ही सही है जिसमें म्यू बराबर है रेशियो ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन टू द नॉर्मल रिएक्शन तो ये तो डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करना है नंबर 5 द डाइमेंशंस ऑफ कैपिटल जी डिवाइडेड बाय स्मॉल जी ठीक है कैपिटल जी की डायमेंशन को डिवाइड कराना है स्मॉल जी की डायमेंशन से स्मॉल जी तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है तो उसकी डायमेंशन तो हमें पता है वो बराबर होती है lt -2 के तो सीधा-सीधा यहां पे आ जाएगा lt -2 कैपिटल जी क्या है कैपिटल जी जो है वो डायमेंशन आप फाइंड कर सकते हो उसके अपने फार्मूले से कैपिटल जी को अगर न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से अलग करें तो बराबर आता है f into r स्क्वायर ठीक है ना यानी कि डिस्टेंस का स्क्वायर डिवाइडेड बाय दोनों मासेस होते हैं तो वहां पर m1 आ जाएगा कोई मास और फिर कोई मास आ जाएगा m2 अगर हम इसको अप्लाई करें और इससे डायमेंशन को फाइंड कर लें कैपिटल जी की तो कैपिटल जी की डायमेंशन के अंदर फोर्स की डायमेंशन आएगी mlt -2 ठीक है ना फोर्स की जगह पे आ जाएगा mlt -2 इसी तरीके से जो r का स्क्वायर है r के स्क्वायर की डायमेंशन हो जाएगी l का स्क्वायर यहां पर आ जाएगा l स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 और m2 ये बराबर हो जाएगा m स्क्वायर के तो एक m से एक m कैंसिल हो जाएगा और फिर वैल्यू क्या बनेगी वैल्यू बनेगी यहां पे l * l स्क्वायर ये बराबर हो जाएगा l क्यूब के और इसी तरीके से यहां पे t -2 एज इट इज और m क्योंकि कैंसिल हो गया था तो m को ऊपर लेकर आएंगे तो m हो जाएगा बराबर माइनस के 1 के ये जो कैपिटल G है ये डिफरेंट MCQs में आप यूज कर सकते हो फाइंड करने के लिए क्योंकि ये भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है कि कैपिटल G की डायमेंशन फाइंड करें बहरहाल अभी तो हमें कैपिटल G डिवाइड बाय स्मॉल G पता करना है तो यहां पे वैल्यू आ जाएगी l के क्यूब की और फिर वैल्यू आ जाएगी t -2 ठीक है ये l क्यूब t -2 ठीक है इधर भी माइनस था और फिर वैल्यू आ जाएगी m -1 तो यहां पर आ जाएगी वैल्यू ऑफ m -1 अच्छा क्या-क्या कैंसिल हो गया एक l से एक l कैंसिल t स्क्वायर से t स्क्वायर कैंसिल तो जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी m -1 यानी कि ये आ गया m की पावर -1 और l की वैल्यू देखी जाए तो l की वैल्यू बराबर आ जाएगी स्क्वायर और t क्योंकि है नहीं
तो टी बराबर हो जाएगा जीरो के। तो जो चौथा ऑप्शन है एम माइनस वन एल स्क्वायर टी माइन टी की पावर जीरो, यही है डायमेंशन ऑफ कैपिटल जी डिवाइडेड बाय स्मॉल जी। क्वेश्चन नंबर सिक्स, द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस, दो फोर्सेज हैं जिनके मैग्नीट्यूड 5 न्यूटन है एंड 10 न्यूटन, कैन नॉट बी, और इनका रिजल्टेंट क्या नहीं हो सकता। तो देखो यहाँ पर एक प्रॉपर्टी याद रखनी है कि जो भी रिजल्टेंट होता है ना, दो फोर्सेस को ऐड करके जो भी आंसर आता है वो दो चीज़ों के दरमियान में आता है, यानी कि दो वैल्यूज़ के दरमियान में आता है। सबसे छोटा जो आंसर आ सकता है, दो जो हम उनको ऐड करते मतलब वेक्टर्स के दरमियान के एंगल्स को अगर ऐड करें, तो वो हो सकता है ए माइनस बी, ठीक है ना। ए माइनस बी सबसे छोटा आंसर आ सकता है दो वेक्टर्स के दरमियान में, या बी माइनस ए एक ही बात है, बस बड़े वेक्टर में से छोटे वेक्टर को माइनस कराना है, ठीक है। और जो आंसर आता है वो इन बिटवीन आता है। सबसे बड़ा आंसर कब आ सकता है, जब दोनों सेम डायरेक्शन में हो, और सेम डायरेक्शन का मतलब उसके लिए हम लिख देते हैं वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ठीक है। तो सबसे बड़ा आंसर आता है जब दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो, यानी कि ए प्लस बी, और सबसे कम जो आंसर आता है वो जब आता है जब दोनों के दरमियान का एंगल 180 हो, यानी कि दो वेक्टर्स का आंसर इन बिटवीन आता है ए माइनस बी और ए प्लस बी। अच्छा, अब फिलहाल अगर हम इस क्वेश्चन के मुताबिक अप्लाई करें तो 5 प्लस 10 न्यूटन, 5 प्लस 10 न्यूटन कितना हो गया 15, यानी कि इनका सबसे बड़ा आंसर जो है ना वो 15 आ सकता है। और इसी तरीके सबसे छोटा आंसर निकालेंगे तो 10 माइनस 5 बराबर आ जाएगा 5 के। तो भाई जो आंसर 5 और 15 के दरमियान में है वो तो पॉसिबल है, लेकिन जो 5 से छोटा है 15 से बड़ा है वो पॉसिबल नहीं है। 13 15 से छोटा है, ओके फाइन। 9 5 और 15 के दरमियान में आ रहा है, ये भी ठीक है। 6 5 और 15 के दरमियान में आ रहा है, ये भी ठीक है। तो याद रखो जो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा वो होगा 4 न्यूटन, क्योंकि मैग्नीट्यूड दो फोर्सेस का जो कि हैं 5 न्यूटन और 10 न्यूटन बराबर नहीं हो सकता 4 न्यूटन के। नंबर 7, एन एंगल सबटेंडेड एट इट्स सेंटर बाय एन आर्क हुज लेंथ इज डबल टू दैट ऑफ इट्स रेडियस इज, ठीक है ना। एंगल फाइंड करना है और जो आर्क लेंथ है वो डबल है रेडियस के, तो फॉर्मूला सिंपल सा हम इस्तेमाल करते हैं जिसके मुताबिक एस बराबर होता है आर थीटा के, ठीक है। और यहाँ पर एस जो है वो आर्क लेंथ है, आर जो है वो रेडियस है, और थीटा तो एंगल है। यहाँ पे गिवन क्या है, गिवन ये है कि जो आर्क लेंथ है वो डबल है रेडियस का, तो एस की जगह पर आएगा 2r। तो इधर भी हमने लिख दिया 2r इज इक्वल टू, क्योंकि एस गिवन है ना कि आर्क लेंथ बराबर होगा ट्वाइस ऑफ आर के, बाकी आर एज इट इज़ आ गया और यहाँ पर आ गया थीटा। तो अगर हमें वैल्यू फाइंड करनी है तो ये आर से आर हो जाएगा कैंसिल, इसका मतलब थीटा बराबर हो सकता है 2 रेडियन के, ठीक है। जो 2 आंसर आ रहे हैं ना, डिग्रीज नहीं है, ये आंसर आ रहा है 2 रेडियन, ठीक है। तो हमें उस रेडियन को कन्वर्ट करना पड़ेगा डिग्रीज में, क्योंकि हमारे सारे के सारे आंसर जो है वो डिग्रीज में है। तो 2 रेडियन बराबर होता है 114.6 डिग्रीज के। नंबर 8, इन अ स्पेक्ट्रोमीटर द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ इट्स, तो ये जो हमारा टॉपिक है ये रिलेटेड है स्पेक्ट्रोमीटर से, जो कि आपको चैप्टर नंबर 9 में मिलेगा, और उसी के अंदर आप स्टडी करोगे तो ये बात देखोगे जो फोकल लेंथ होती है कॉन्वेक्स लेंस की वो बराबर होती है लेंथ ऑफ कॉलीमेटर के। नंबर 9, द पॉइंट विच डिस्क्राइब्स द मोशन ऑफ होल सिस्टम और बॉडी इज नोन एज, ये डेफिनेशन है, एक स्पेसिफिक पॉइंट की ही डेफिनेशन है, और वो स्पेसिफिक पॉइंट कहलाता है सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट होता है जिसके जरिए हम पूरे सिस्टम या बॉडी के मोशन को डिस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है। सो अच्छा हाँ, स्टूडेंट कन्फ्यूज हो सकते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी से, ठीक है ना। सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर ऑफ मास कंसाइड करते हैं, बट इन यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड, जो कि यहाँ पे मेंशन नहीं है। तो बस याद रखना है होल सिस्टम और होल बॉडी के मोशन को डिस्क्राइब करने वाला पॉइंट सेंटर ऑफ मास होता है। द प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड, टाइम पीरियड ऑफ फ्रीक्वेंसी का जो प्रोडक्ट है, तो एक फॉर्मूला याद होगा फ्रीक्वेंसी का, फ्रीक्वेंसी बराबर होती है 1/T के, यानी कि 1/ टाइम पीरियड के। और यहाँ पर कह रहे हैं कि प्रोडक्ट ऑफ टी एंड एफ कितना होगा, तो भाई ये टी यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, इस तरफ जाके अगर होगा मल्टीप्लाई, तो एफ और टी का प्रोडक्ट किसके बराबर आएगा, एफ और टी का प्रोडक्ट बराबर आएगा 1 के। सो एफ इंटू टी इज इक्वल टू 1, तो हमारा पहला वाला जो आंसर है वो करेक्ट है, द प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड इज 1। क्वेश्चन नंबर 11, व्हेन अ ट्रांसवर्स वेव ट्रैवलिंग थ्रू अ रेयर मीडियम इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ डेंस मीडियम, ठीक है, रेयर मीडियम से ट्रैवल करती हुई कोई ट्रांसवर्स वेव जा रही है और वो रिफ्लेक्ट होती है किसी डेंसर मीडियम से, देन द फेज चेंज प्रोड्यूस इन इट विल बी इक्वल टू, जो कि होता है थिन फिल्म इंटरफेरेंस के अंदर, टॉपिक थिन फिल्म इंटरफेरेंस का है, फेज चेंज होता है याद रखिए 180 डिग्री का,
ठीक है ना, फेज चेंज आता है 180 डिग्री का, यानी कि सारी की सारी क्रस्ट जो जाके टकरा रही होती हैं वो आफ्टर रिफ्लेक्शन कन्वर्ट हो जाती हैं ट्रफ में. सो फेज चेंज 180 डिग्री का कहा जाता है जब भी रे, कोई भी वेव जो है ट्रांसवर्स वेव ट्रेवल करे थ्रू रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम. नंबर 12, द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट वाज डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली बाय कैवेंडिश. तो ये तो सिंपल सी बात है, इसमें कोई लॉजिक नहीं लगानी है, याद रखने वाली बात है, ठीक है ना, नॉलेज से रिलेटेड है. और यहाँ पर सीधी सी बात यह है कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैवेंडिश ने एक्सपेरिमेंटली फाइंड किया था. 13, अ प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन अपवर्ड विद अ सर्टेन वेलोसिटी, कोई भी उसकी वेलोसिटी है, इट्स टाइम ऑफ फ्लाइट विल बी मिनिमम. टाइम ऑफ फ्लाइट कम से कम होगा इफ इट इज लॉन्च्ड एट एन एंगल ऑफ, किस एंगल पर जो टाइम ऑफ फ्लाइट है वो कम होता है. तो यहाँ पे रेंज की तो बात की ही नहीं गई कि कहाँ जाना चाहिए कहाँ नहीं जाना चाहिए, बस ये पूछ रहे हैं कि कब कम से कम टाइम वो ट्रेवल करेगा. तो याद रखिए इसका सीधा सा ताल्लुक है एंगल से, और टाइम बहुत ही कम होता है जब एंगल छोटा बनता है, इसी वजह से सही आंसर है 30 डिग्री के बराबर. और अगर आप टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला देखोगे तो वो भी इसी बात को जाहिर कर रहा है कि वेलोसिटी चाहे कुछ भी हो डिपेंड कर रहा है एंगल की वैल्यू पर. नंबर 14, आई क्रॉस जे डॉट, जे क्रॉस आई इज, तो प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए आई क्रॉस जे, ठीक है, जो यूनिट वेक्टर होता है आई, ये मैंने एक तरीकेकार है बताया है, इस तरीके से आप लोग याद रख सकते हो, कभी मिस्टेक नहीं होगी. एक इस किस्म का सर्किल बना लो, क्योंकि आई जे के की आपको ये तो पता है कि कौन प्रेसीडिंग है कौन फॉलोइंग है, ये सब तो आपको पता है कि आई जे के इस तरीके से होता है. तो आप इस तरीके के एक एरो बना के रख लो. अगर जो क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना है वो एरो की डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव होता है, और अगर अपोजिट जाना पड़े तो नेगेटिव होता है, और होता तो याद रखो क्रॉस प्रोडक्ट में आंसर तीसरा वाला है. तो पहले लिखा हुआ है आई क्रॉस जे, आई से जे की तरफ जाते हुए एरो की डायरेक्शन में ही जा रहे हैं, तो इसका मतलब इसका आंसर आएगा सीधा सीधा प्लस का के. और फिर लिखा हुआ है जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई जे से आई की तरफ जाते हुए एरो के अपोजिट जाना पड़ रहा है, आंसर के आएगा, बट वो भी आंसर आएगा माइनस का, ठीक है. तो यहाँ पर के डॉट माइनस के फाइंड करना है, और डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी है कि सेम यूनिट वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कराते हैं तो आंसर वन आता है, बट इस माइनस साइन की वजह से वो आंसर बराबर हो जाएगा माइनस के वन के. नंबर 15, टू फोर्सेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट डायरेक्शन इन डायरेक्शन एंड नॉट एक्टिंग अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन फॉर्म्स आ, ये एक डेफिनेशन लिखी हुई है, दो फोर्सेस जिनके मैग्नीट्यूड इक्वल हो, ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन हो और वो डिफरेंट पॉइंट्स पर एक्ट कर रहे हो, यानी कि एक लाइन पर एक्ट ना कर रहे हो, तो ऐसी दो फोर्सेस को हम कहते हैं कपल, ठीक है, चैप्टर नंबर 5 से रिलेटेड टॉपिक है. नंबर 16, इफ द टाइम इंटरवल इज वेरी स्मॉल, अगर टाइम इंटरवल बहुत छोटा होता है तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड. तो जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है उसको क्या कहते हैं, तो याद रखिए टाइम बहुत कम होता है यानी कि ना होने के बराबर का ना, जिसे एक लम्हा कहते हैं, लम्हे को कहते हैं इंस्टेंट, और ऐसा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को कहा जाता है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, ठीक है. और यही अगर चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है या पोजीशन होता तो वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहलाता, बट इन दिस केस राइट आंसर इज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन. वेबर फैशनल लॉ इज, वेबर फैशनल लॉ चैप्टर नंबर 8 में लाउडनेस से रिलेटेड है, और वेबर फैशनल लॉ के मुताबिक जो लाउडनेस ऑफ साउंड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टू द लॉगरिथम ऑफ इंटेंसिटी के, यानी कि एल इज प्रोपोर्शनल टू लॉगरिथम ऑफ आई.